दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया बीच पहले टेस्ट में आया सर जडेजा का तूफान। चौके छक्कों की बरसात करते हुए इस धाकड़ खिलाड़ी ने उड़ाए कंगारुओं के परखच्चे। वापसी करते हुए जडेजा ने न सिर्फ तूफानी बल्लेबाजी की बल्कि तूफानी शतक भी ठोक कर मचाया गर्दा। तो आखिरकार कितने गेंदों में जडेजा ने ठोक कर शतक, कितने छक्के लगाए, दिखाएंगे उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या में से बेहतरीन ऑलराउंडर कौन है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन अगर कोई ये खिलाड़ी नजर आया तो वो थे रविंद्र जडेजा। जी हाँ, भारत के नंबर एक टेस्ट ऑलराउंडर जडेजा ने काफी, और उसके बाद फिर क्या था, इस खिलाड़ी ने बता दिया कि वह व्हाइट बॉल के नहीं बल्कि रेड बॉल के भी खतरनाक खिलाड़ी हैं। मौका मिलते ही उन्होंने पैट कमिंग्स से लेकर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की भी धज्जियां उड़ा दी। जडेजा तो ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन के पीछे ही पड़ गए थे। आपको बता दें तब जडेजा की बल्लेबाजी आई, उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से जडेजा ने पहला ओवर खेला था उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि यह बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए यह खुशी ज्यादा देर बरकरार नहीं रही। आपको बता दें छठवीं गेंद पर अपना खाता खोलने वाले जडेजा ने सातवें गेंद में छक्का लगा दिया। जी हाँ, नॉर्थन लियोन की गेंद पर जडेजा ने गेंद को सीधे स्टेडियम के पार पहुंचा दिया। उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंग्स को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ और देखते ही देखते जडेजा ने टेस्ट स्कोर को T20 बना दिया और महज 40 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। और बनाने के बाद सूर्या ने 5 छक्के भी लगा दिए। अपनी पारी में उन्होंने 2 चौके भी लगाए। उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा भी जडेजा के बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों जडेजा का कोहराम यही नहीं रुका, टेस्ट क्रिकेट में एक और शतक जड़ने के लिए वह पूरे तरीके से बेताब नजर आ रहे थे, लेकिन वह रुकने के मूड में नहीं थे। जडेजा हमेशा ही एक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वह टेस्ट क्रिकेट में भी वही कर रहे थे। आपको बता दें उनको गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ जडेजा 85 रनों के पार पहुंच गए। और यहां पर ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंग्स ने एक नई जाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने स्पिनर नॉर्थन लियोन को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में जडेजा अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें नॉर्थन लियोन की 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाते हुए जडेजा ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंग्स को गलत साबित किया बल्कि अपना शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए जडेजा ने केवल 65 गेंदें ही खेली थी जिसमें उन्होंने 9 छक्के और 5 चौके भी लगाए। केवल 65 गेंदों में ही शतक ठोक दिया था। गिल का कोहराम यही नहीं रुका, उन्होंने अपने कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। जिनका खेल खत्म होने तक जडेजा ने केवल 120 गेंदें खेली थी और 205 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 15 छक्के और 10 खतरनाक चौके भी लगाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जडेजा भारत को वनडे विश्व कप जिता सकते हैं कि नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।